हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नई सुबह नई किरण के साथ नया साल का शुरुआत हो चुका है। इसी नई साल की शुरुआत वाले लम्हे को हम धूमधाम से मनाते हैं, साथ ही साथ हम अपने घर के दीवार में लटके हुए कैलेंडर को जरूर बदलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जिस कैलेंडर को हम हर साल बदलते हैं उसका नाम क्या है? शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो क्या है इस कैलेंडर की इतिहास और इसे दुनिया का सबसे पॉपुलर कैलेंडर क्यों माना जाता है, जबकि हमारे देश में खुद के हमारे कई सारे कैलेंडर्स हैं? तो हम अंग्रेजों वाले कैलेंडर को क्यों मानते हैं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दुनिया भर में तमाम तरह के कैलेंडर माने जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 36 तरह के प्राचीन कैलेंडर वर्ष माने जाते हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश अब प्रचलन में नहीं रहा है। दुनिया भर में कई देशों के जो अपने कैलेंडर्स हैं, उनमें से नए वर्ष की शुरुआत फरवरी या अप्रैल के मध्य में होती है। हमारे देश में भी विक्रम संवत, शक संवत, हजरी सन और सप्तर्षि संवत आदि नाम से कई सारे कैलेंडर प्रचलित हैं। इसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कैलेंडर प्रचलित होने के बावजूद पूरी दुनिया में नए साल ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। वर्तमान वाले ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 438 साल पहले 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इस कैलेंडर को आखिरी बार पोप ग्रिगोरी 13 ने संशोधित किया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और ठीक उसके अगले दिन यानी कि जनवरी 1 को नए साल की शुरुआत माना जाता है। अमेरिका के एलायोसिस लिजियस नाम का एक डॉक्टर ने 15 अक्टूबर 1582 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के तौर पे एक नया कैलेंडर का इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव रखा था और उसी कैलेंडर का इस्तेमाल आज तक हम करते आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर हम 1582 के बाद इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानते आ रहे हैं, तो उसके पहले लोग किस कैलेंडर को मानते थे? इससे पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। इसमें समस्या ये थी कि क्रिसमस साल के एक निश्चित दिन नहीं आता था। साल में 10 महीने होने के कारण इसमें ये समस्या थी कि क्रिसमस साल के एक निश्चित दिन पे नहीं आता था। जूलियन कैलेंडर को ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर ने संशोधित किया था और इसके पहले भी जो कैलेंडर चलता था वो था रोमन कैलेंडर। उसमें साल के सिर्फ 304 दिन और 10 महीने हुआ करते थे। अब ये सवाल आता है कि कैलेंडर जब बनाए जाते हैं तो किस आधार पे बनाए जाते हैं? दुनिया के कोई भी कैलेंडर सूर्य चक्र या चंद्रमा चक्र की गणना के आधारित होता है। सूर्य चक्र पर आधारित कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्रमा चक्र में आधारित कैलेंडर में 354 दिन होते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर आधारित है। असल में ग्रिगोरियन कैलेंडर में हर महीना बराबर नहीं होते, जिसमें 5 महीने 30 दिन वाले होते हैं तो 6 महीने 31 दिन वाले होते हैं। साथ ही फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 3 साल बाद यानी कि चौथा वर्ष लीप ईयर माना जाता है और इस लीप ईयर में फरवरी में 28 दिन के जगह 29 दिन होते हैं। हमारे देश में आज भी अधिकांश धार्मिक कार्य हिंदू लोग विक्रमी संवत जबकि मुस्लिम लोग हिजरी सन के अनुसार करते हैं। भले ही रोजमर्रा के काम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानना एक प्रकार से हमारे देश के लिए मजबूरी थी, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर स्वीकार किए जाने वक्त हमारे देश में
ब्रिटिश का शासन लागू था। इसलिए जब 1552 में ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया तो पूरे दुनिया में जहां भी उसका शासन या उपनिवेश था वहां ग्रिगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया। और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल मनाते हैं तथा अपने रोजमर्रा के काम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे देश में अपना खुद का कैलेंडर लागू होना चाहिए या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर ही सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर देश और दुनिया के ऐसे ही अनोखे बातें, अनोखे जगह, अजूबे लोग तथा अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि इस नए साल आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।